लेबनान के अलकसर में बड़ा धमाका हुआ। सीरिया से लगे लेबनान बॉर्डर पर ब्लास्ट हुआ। धमाके की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। लेबनान में तेज धमाके के बाद लगी जबरदस्त आग। तस्करों के वेयर हाउस में हुआ विस्फोट। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। अमेरिका के साले में ट्रंप के समर्थन में सड़क पर उतरे सैकड़ों की संख्या में लोग। हथियारों के साथ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बलूचिस्तान में सैनिकों की मौत पर बौखलाया पाकिस्तान। कोयला खादान में काम करने वाले 11 मजदूरों की निर्मम हत्या की। पाक आर्मी पर हत्या का आरोप। बलूचिस्तान में काम पर जा रहे मजदूरों का अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण का किया था। माच्छा इलाके में पहाड़ी के पास ले जाकर गोलियों से भूना। बलूच विद्रोहियों ने की थी 7 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के खिलाफ बलूचिस्तानी नेता ने भारत से मांगी मदद। आजादी दिलाने की कर रहे हैं गुजारिश। कृषि कानून पर आंदोलन को लेकर फैसले की घड़ी करीब। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच नतीजे वाली बैठक आज। कृषि कानून पर आज सरकार और किसानों के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। दोपहर 2 बजे होगी बातचीत। निर्णायक फैसले की संभावना। कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच आज की बैठक पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कहा बैठक के बाद खत्म हो जाएगा आंदोलन। कृषि कानून की वापसी पर अड़े किसान। बातचीत से पहले आंदोलनकारियों ने फिर कहा कानून की कॉपियों को जलाकर मनाएंगे लोहड़ी। अपनी जिद छोड़े सरकार। शाहजहांपुर बॉर्डर से हरियाणा घुसे किसानों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दागे आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान के समर्थन में भगोड़ा जाकिर नायक ने उगला जहर। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने का समर्थन किया। कहा इस्लामिक देश में मूर्ति रखने और बनाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान की सत्ता उखाड़ने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर से भरी हुंकार। मौलाना फजलुर रहमान की बड़वालपुर में बड़ी रैली। विपक्ष की रैली में मरियम नवाज भी शामिल हुई। मरियम नवाज ने कहा चंद दिनों की मेहमान है इमरान सरकार। पीडीएम सांसदों के इस्तीफे के बाद गिर जाएगी इमरान सरकार। पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद की विपक्ष को कड़ी चेतावनी। कहा पाकिस्तानी सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ 72 घंटे में दर्ज होगा मामला। पाकिस्तानी पुलिस की क्रूरता सामने आई। इस्लामाबाद में कार नहीं रोकने पर ओसामा नाम के युवक को गोलियों से छलनी कर दिया। अस्पताल में युवक की मौत। चीन को जापान की खरी खरी। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक जिनपिंग है चीन के साथ नहीं हो सकता ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की ट्रेड एग्रीमेंट। राजधानी दिल्ली में बारिश और कड़ाके की सर्दी के बीच जिद पर अड़े हैं किसान। बारिश की वजह से परेशानी से घिरे आंदोलनकारी। राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से सड़कों पर हुआ जलजमाव। किसानों के कंबल और रजाई बारिश में हुए गीले। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 40वां दिन। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। मांगे न मानने पर ट्रैक्टर के साथ गणतंत्र परेड निकालने का प्लान। हरियाणा के जींद में महिला किसानों को दी जा रही ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग। 26 जनवरी को खुद ट्रक चलाकर पहुंचेंगी दिल्ली। राजपथ पर करेंगी परेड। आज पीएम मोदी नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की भी रखेंगे नींव। अमेरिका की आपत्ति के बाद भी ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बेचेगा रूस। परमाणु कार्यक्रम से नाराज अमेरिका ने ईरान पर लगाए हैं कई प्रतिबंध। रूस का बड़ा बयान। कहा वो अमेरिकी बैन से नहीं डरेगा और ईरान से किए गए अपने वादे को जरूर पूरा करेगा। जर्मनी ने मिडिल ईस्ट के देशों को 1.10 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यमन लीबिया तुर्की समेत कई देशों के बेचे जाएंगे हथियार। प्रस्ताव को मंजूरी से जर्मनी की आलोचना। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटा है ईरान। कहा लेबनान ने उसके सहयोग से मिसाइल की ताकत को हासिल किया। ईरान एक बार फिर से बढ़ा रहा अपनी परमाणु शक्ति। परमाणु प्लांट में 20% तक यूरेनियम का बढ़ा रहा उत्पादन। बगदाद में कासिम सुलेमानी की बरसी पर हजारों की भीड़ जुटी। हाईवे से एयरपोर्ट तक निकला मार्च। सुलेमानी की मौत का बदला लेने की मांग। 3 जनवरी 2020 को एक ड्रोन हमले मारा गया था कासिम सुलेमानी। अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारा गया था कासिम सुलेमानी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक बयान। कहा हम नहीं चाहते भतीजे को बंगाल में सहानुभूति के लिए ममता बनर्जी की हत्या। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर लोकसभा सीट से अर्जुन सिंह बीजेपी सांसद। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने लगाया था आरोप। बीजेपी नहीं जीती तो ममता की हो सकती हत्या।
पश्चिम बंगाल चुनाव में आज कोलकाता में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, शोभन चटर्जी और बैसाखी रोड शो में ममता बनर्जी को दिखाएंगे दम। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद शोभन चटर्जी का पहला रोड शो, आरनॉय अन्याय कार्यक्रम चिड़ियाघर से बीजेपी हेडक्वार्टर तक दोपहर 2:30 बजे निकलेगा रोड शो। पश्चिम बंगाल के कांथी में शुभेंदु की बैठक से वापस आने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमला, बीजेपी समर्थकों को ही जमकर उनकी पिटाई, इलाके में भारी आक्रोश। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई हुई, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा कलाई काटने का आरोप। थाने के भिवंडी में शिवसेना नेता दीपक महात्रे पर हमला, अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पलटने की ट्रंप की कोशिशों को मिला कई सांसदों का साथ, इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती के दौरान नतीजों को खारिज करने की ट्रंप की कोशिश। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा, राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉर्जिया के अधिकारियों को फोन करके राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम बदलने के लिए डाला था दबाव। अमेरिका ने नए रक्षा कानून में भारत के खिलाफ सैन्य आक्रमण के लिए चीन को ठहराया दोषी, अमेरिकी अधिकारियों ने एक रक्षा विधेयक को पारित किया। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, धांधली का आरोप लगाकर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। जर्मनी में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से पीछे हटने का विरोध, जर्मनी के सांसदों ने कहा कि प्रोजेक्ट से पीछे हटने का मतलब खुदकुशी करना है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा के जुओऊ घाटी में आग ने मचाई तबाही, आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने संभाला मोर्चा। नागालैंड के कोहिमा में लगी आग बुझाने के लिए भारतीय सेना ने MI-17B के 5 हेलीकॉप्टर भेजे, हरक्यूलिस विमान C-130J को भी तैनात किया। पंजाब के पठानकोट सैनिक क्षेत्र में 100 मीटर सुरंग मिलने से मचा हड़कंप, मिट्टी के बर्तन और लोहे की रॉड मिलने से गहराया शक, सुरंग की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद। रूसी हैकरों ने बनाया था अमेरिका की 250 सरकारी एजेंसियों और कंपनियों को निशाना, हाल में हुए साइबर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। दक्षिण यमन में सऊदी अरब की सेना के बेस के पास धमाका हुआ, यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन और ईरान समर्थक हूती बागियों के बीच जंग। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के फाइटर जेट्स ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया, अदन एयरपोर्ट पर हमले के लिए यमन सरकार ने हूती बागियों को दोषी ठहराया था। अफ्रीकी देश नाइजर में आतंकवादियों ने 2 गांव पर हमला किया, 100 से ज्यादा लोगों की हत्या, राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो पहले चरण के नतीजे हैं इसके बाद अटैक हुआ है। यमन के अदन एयरपोर्ट से उड़ानें फिर से शुरू हो गई, आतंकी हमले के बाद से एयरपोर्ट था बंद, आतंकी हमले में 26 लोगों की हुई थी मौत। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है, पालिका के अधिकारियों और ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज, 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में छत गिरने से 25 लोगों की मौत का मामला, 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। गाजियाबाद के मुरादनगर में अंतिम संस्कार के दौरान बारिश से बचने के लिए गैलरी की छत के नीचे खड़े थे लोग, छत गिरने के बाद गई कईयों की जान। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी के बाद जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन, सरकार के मुताबिक वैक्सीन लेना जरूरी नहीं, मर्जी पर करेगा निर्भर। कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए पहले ग्रुप में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं, दूसरे ग्रुप में 50 से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा वैक्सीन। देश भर में पहले चरण में 30 करोड़ लोगों का होगा वैक्सीनेशन, कोरोना से ठीक हुए लोगों को ठीक होने के 14 दिन बाद वैक्सीन। कोरोना की दोनों स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का समर्थन, ट्विटर हैंडल पर दी बधाई। एलएसी पर चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ, चीन ने स्पांगुर के पास एक पहाड़ी पर सड़क का निर्माण शुरू किया, सैटेलाइट इमेज के जरिए ड्रैगन की पोल खुल गई है। सैटेलाइट इमेज में PLA के टेंट भी दिखाई दे रहे हैं, एलएसी पर तनाव के बावजूद चीन लगातार साजिश करने में जुटा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए सैन्य हथियारों का जखीरा तैयार करने का आदेश दिया, युद्ध के लिए नए तरीके से हथियारों की खरीद फरोख्त होगी। चीन उइगर मुसलमानों पर करता है अत्याचार, शर्त नहीं मानने पर हजारों उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में बंद किया गया। दिल्ली में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दिया टेंशन, ब्रिटेन से लौटे 40 लोग अब तक पॉजिटिव निकले, सभी LNJP हॉस्पिटल में भर्ती।
कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना चेन्नई का आलिशान होटल आईटी ग्रैंड चोला, 85 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, होटल कर्मचारी भी शामिल। कोरोना वायरस पर नई रिसर्च का दावा, मस्तिष्क को पहुंचा सकता है नुकसान, सोचने सीखने की क्षमता के साथ याददाश्त भी हो सकती है प्रभावित। कोरोना महामारी के बीच आज से बिहार में खुलेंगे सरकारी स्कूल, सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक हर क्लास में एक दिन में होंगे आधे बच्चे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 3 और लोगों के आंखों पर कोरोना वायरस का हमला, 2 लोगों में रोशनी लौटने की उम्मीद नहीं। उत्तर प्रदेश के गांवों तक डाक विभाग पहुंचाएगा कोरोना वैक्सीन, वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन करने और उसे पहुंचाने का ब्लूप्रिंट तैयार। कोरोना वायरस के बीच उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बर्ड फ्लू से बड़ी संख्या में कौओं की हो रही है मौत, पक्षियों की मौत के बाद सरकार ने जारी किया अलर्ट। चीन ने अपने अत्याधुनिक एम्फीबियस असॉल्ट शिप का सी ट्रायल शुरू किया, टाइप 075 का दूसरा जहाज समंदर में चीन की ताकत को बढ़ाएगा। अमेरिकी सरकार ने 5वीं पीढ़ी के F-35S स्टेल्थ फाइटर जेट के फुल रेट प्रोडक्शन पर लगाई रोक, कोरोना महामारी की वजह से बड़ा फैसला। समंदर में ऑस्ट्रेलिया की बढ़ने वाली है ताकत, ऑस्ट्रेलियाई सैन्य खेमे में 2 P-8A विमान शामिल होंगे, अमेरिका से खरीदे जाएंगे ये विमान। लीबिया में शांति वार्ता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 सदस्यों की बनाई है कमेटी, आगे की बातचीत का एजेंडा और सरकार का स्वरूप इसमें तय होगा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड आज आ रहे हैं भारत, प्रचंड अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए जाएंगे मुंबई, दिल्ली एयरपोर्ट पर 1-2 घंटे के लिए रुकेंगे भी। तेलंगाना में नई दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की इंजन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, जान माल का नहीं हुआ है नुकसान। दिल्ली में महिला ने पति का कत्ल कर सुसाइड नोट लेकर फेसबुक पर किया पोस्ट, पहले पति पर दर्जन भर वार कर उतारा मौत के घाट, फिर खुद को चाकू से वार कर आत्महत्या का किया प्रयास। दिल्ली के स्मानपुर इलाके में 3 मिनट में बदमाशों ने 70 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में सड़क पर रह रही महिला को जान से मारने की धमकी देकर बेटी के सामने मां से रेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को गिराए जाने को लेकर सियासत तेज, मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के रोहिणी में अवैध रूप से चल रहे 2 हुक्का बार पर छापा, हुक्का बार चलाने वाले समेत 65 लोग गिरफ्तार। नाइजीरिया की सेना ने बोको हराम के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, हमले में कई विद्रोहियों के मारे जाने की खबर, 2 हफ्ते पहले बोको हराम के आतंकवादियों ने 100 लोगों का सिर कलम कर दिया था। तालिबान अफगानिस्तान सरकार के बीच होगी शांति वार्ता, कतर में मंगलवार से शुरू होगी दूसरे दौर की शांति वार्ता, तालिबान अफगानिस्तान सरकार की वार्ता टीम आज पहुंचेगी कतर। इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी है प्रोटेस्ट, हजारों लोग सड़क पर उतरे, नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप है। तिब्बत के लोगों ने निर्वासित तिब्बत सरकार का नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोटिंग की है, 45 सदस्य निर्वासित संसद के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान। तिब्बत सरकार के लिए पहले चरण के चुनावी नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे, दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। वडोदरा में गोत्री सेवासी पौश इलाके में एक सोसाइटी के नीचे गेल का हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन जाने का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा, लोगों ने 40 करोड़ रुपए हर्जाना दिलाने की गुहार लगाई। हैदराबाद के रेस कोर्स में घोड़ों की रेस के दौरान हादसा हुआ, घोड़े से 23 साल के जॉकी के गिरने की वजह से मौत। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कई जुआ के अड्डे पर पुलिस का छापा, करीब 10 करोड़ रुपए और 40 कार जब्त, पुलिस की हिरासत में 60 जुआ। चेन्नई हवाई अड्डे पर 621 ग्राम सोना छिपाकर लाने के आरोप में 2 शख्स गिरफ्तार, सोने की कीमत 32 लाख रुपए। कोरोना के नए स्ट्रेन पर ब्रिटिश वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ा दावा, एक स्टडी के हवाले से कहा गया अगर म्यूटेशन बरकरार रहता है तो नए स्ट्रेन को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका कैलिफोर्निया में कोरोना से हालात बेकाबू, लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील, गंभीर मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा। जर्मनी में जारी है कोरोना वायरस का कहर, 10 जनवरी तक देश में बढ़ सकता है लॉकडाउन, बढ़ते संक्रमण की वजह से बड़ा फैसला। कोरोना से जापान में आपातकाल के हालात बन गए हैं, राजधानी टोक्यो और सितामा राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लगाई जा सकती है इमरजेंसी। ब्रिटेन में सरकार पर स्कूल खोलने का दबाव, कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से शिक्षकों ने पढ़ाने से इनकार किया। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।